भाई साहब अगर बोट की बात करें तो बोट काफी ज्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। उन्होंने अभी स्मार्ट रिंग लॉन्च की, काफी सारे एयरबड्स लॉन्च कर रहे हैं। तो बोट ने अभी फिलहाल लॉन्च किए अपने काफी ज्यादा बजट एयरबड, जो कि 454 सीरीज के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर काफी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन ईयर डिटेक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है, ANC आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। तो सारा कुछ वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि एक्चुअल में ये जो एयरबड्स हैं आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, और एक्चुअल में इसका साउंड क्वालिटी कैसा होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियो रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। अगर बात करें बॉक्स के बारे में तो कुछ बॉक्स आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे बैक में कुछ की स्पेसिफिकेशन के बारे में, यहाँ पे आपको 4 माइक जैसे कि दिए गए हैं। यहाँ पे जो टोटल प्लेबैक टाइम है 60 आवर्स का आपको देखने को मिल जाता है। बोट ईयरेबल्स ऐप का भी सपोर्ट है, तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पे 10 mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, एम्बियंस मोड है, 60 ms के 20 मोड आपको देखने को मिलता है, और अपडेट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर बॉक्स को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, और यहाँ पे ऊपर बोट की ब्रांडिंग है। और बोट यहाँ पे ऊपर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो बड्स हैं एक्चुअल रखे हुए मिल जाते हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहे हैं, और ये कलर जो है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बात करें यहाँ पे एसेसरीज सेक्शन के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि इसके अंदर आपको एयर टिप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कुछ डेटा केबल देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और ये एयर टिप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और अगर बॉक्स के अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको बोट का स्टिकर देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर कुछ पेपर वर्क है और वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिलता है। चलिए भी सब कुछ साइड करते हैं और अपने बड्स पे आते हैं। तो भाई साहब अगर इसका आप लुक देखो तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। बीच में ये बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, या बीच में एक LED लाइट है जिसके आपको डिफरेंट डोर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये चीज़ बढ़िया है कि इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, तो ज़्यादा केबल्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी वजह से आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को इसमें मिलने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा रगेड है, और काफ़ी मतलब बल्कि तो मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी बैकअप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, और ये जो पूरा है मैट फिनिश के साथ आपको देखने को मिलता है, तो एक्चुअल में इसकी जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और अगर बात करें इसके हिंज के बारे में, तो हिंज जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगा है। आप इसकी आवाज़ सुनना, तो इसकी जो आवाज़ है काफ़ी ज़रा सॉलिड फीलिंग आती है, तो मेरे हिसाब से जल्दी ख़राब रहा वगैरह होने रहने नहीं है, और काफ़ी ज़रा रगेड फीलिंग के साथ आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बड्स की क्वालिटी के बारे में, तो जो बड्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। इसमें आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और 10 mm के ड्राइवर्स हैं इसके अंदर, इसकी वजह से यहाँ पे जो आपका शेप है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो जल्दी फिर जल्दी इसको हम लोग कानों में पहनते हैं, देखते हैं एक्चुअल फिटिंग इसकी कैसी है। तो कान में जल्दी से हम लोग उसको पहन लेते हैं। ओ भाई साहब, तो अगर बात करें इसकी फिटिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फिटिंग आपको देखने को मिलती है। इस प्राइस रेंज के अंदर जनरली आपको ऐसी फिटिंग्स देखने को नहीं मिलती है, और जितना भी मैं देखी उसको ऐसे कर रहा हूँ मतलब ये निकलने नहीं वाले, क्योंकि आपको पता है एयर टिप्स वाले जो आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको बड्स, ये काफ़ी ज़्यादा फिटिंग होती है, ये काफ़ी वैक्यूम आपके अंदर कानों के अंदर क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से साउंड क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव होने वाली। तो एक्चुअल फिटिंग एरिया और जो बिल्ड क्वालिटी एरिया है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको बोट का वियरेबल जो ऐप का ऐप है वो आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। वैसे इसके अंदर ब्लूटूथ 5.3 है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाती है। और अगर बात करें यहाँ पे लेटेंसी के बारे में, तो लेटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से सीमलेस आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे ही आप बोट का यहाँ पे जो ऐप है वो ओपन करते हो, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी तरह कस्टमाइजेशन के फीचर आपको देखने को मिलते हैं, कि आप यहाँ पे टच कनेक्टिविटी जो है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको ANC लगाना है, ANC में शिफ्ट कर सकते हो। वैसे इसके अंदर आपको एम्बियंस मोड भी देखने को मिलता है, तो अगर आप थोड़ी देर तक उसको होल्ड करोगे तो एम्बियंस मोड पर शिफ्ट जाओगे, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर जैसे ही एम्बियंस मोड शिफ्ट करते हो ना, तो वहाँ पर आपको बाहर का जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अगर आप किसी से बात वगैरह कर रहे हो, आपको दोस्त आके आपसे बात करता है, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस सुनाई होंगी। और आप जब ANC मोड पर शिफ्ट कर दोगे तो पूरा वैक्यूम बना देता है, मतलब आवाज़ का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है ANC है, जिसकी वजह से अगर आप कॉल वगैरह करते हो, वैसे 32 dB का आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर फैन वगैरह चल रहा है, कूलर वगैरह चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को रिड्यूस कर देता है। और इसमें 4 माइक आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कॉलिंग एक्सपीरियंस, मैं बताऊँ सीरियसली, 2000 के अंदर
बहुत कम ही बर्ड्स की मैं मतलब है यहाँ पे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि 2000 के अंदर इतनी ज़्यादा कोई अच्छी कॉलिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं देखने को मिलती है, बट एक्चुअल में ये काफ़ी तारीफ के काबिल है क्योंकि एक्चुअल में इसकी कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली मतलब 2-3 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, 2-3 दिन से मैं कॉल वगैरह ले रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, ट्रैफिक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं जाएगी, आवाज़ काफ़ी तरीके प्रॉपर यहाँ पर जाती है। अब बात करते हैं एक्चुअल इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। इसके अंदर आपको मिलते हैं 10 mm के ड्राइवर्स, जो कि आपको लग रहा है बहुत कम है। हाँ, थोड़ा सा नंबर अगर आप सीरीज से देखते हो तो कम लगता है, बट अगर बात करें साउंड क्वालिटी के बारे में तो सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको वो बूम बाम वाला जो आपको जो साउंड है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इस बर्ड्स की तरफ जा सकते हो। डेफिनेटली क्वालिटी साउंड की बहुत अच्छी है। अगर आप टच कनेक्टिविटी की बात करें, टच कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। हाँ, इसके अंदर आपको ईयर डिटेक्शन का फीचर मिलता है, तो जैसे ही आप इसको कान में अगर पहने हुए हो और कान से जैसे ही हटाओगे तो म्यूजिक जो है वो फॉलो होता है। ये फीचर फ्लैगशिप ईयरबड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो 2000 के अंदर बोट को पॉसिबल किया इस चीज़ को, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ ये बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे बैटरी जो है उसकी चार्जिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप इसको 10 मिनट चार्ज करोगे लगभग आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जो पैकेज है 60 hours का आपको देखने को मिलता है। अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करें, बैटरी बैकअप तो बता दिया, बैटरीज के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो आपको केस के अंदर बैटरी देखने को मिलती है वो है 480 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और अगर बड्स के अंदर बात करें तो 40 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके और कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसके अंदर मल्टी डिवाइस सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो आप 2 डिवाइस में एक साथ आप सपोर्ट कर सकते हो, मतलब कनेक्ट कर सकते हो, और जैसे आपको स्विच करना है तो आप स्विच भी कर सकते हो। तो ये भी जो फीचर है बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, अगर आप बहुत सारे डिवाइस यूज़ करते हो और एकदम से आपको शिफ्ट करना है तो डेफिनेटली इसमें भी ये चीज़ पॉसिबल है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग आपको 2000 रुपये के आसपास देखने को मिलती है, अभी ऑफर्स वगैरह में 2000 आपको मिल रहा है, मेरे हिसाब से प्राइसिंग बढ़ भी सकती है, बट 2000 के अंदर अगर आप इस ईयरबड्स को खरीद लेते हो तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे, मतलब ये जो बर्ड्स है ना डेफिनेटली 2000 के अंदर वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप ऐसे बर्ड्स ढूंढ रहे हो जिनकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हो, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, एयर डिटेक्शन का फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, और अगर आप कॉलिंग वगैरह भी कर पाओ तो डेफिनेटली इस बर्ड्स की तरफ आप चेकआउट जरूर करिएगा। और अगर आपको इस बर्ड्स को चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक है, वहां से चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, अपना कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिए क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा। चलिए फिर आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।